अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, पाकिस्तानी फंक्शन है 22 जून बुध वाले दिन, विलियल बेल में है, जायका रेस्टोरेंट में। मैंने आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका एड्रेस दे दूँगी। आज मैं पहले इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमेशा मैं जाके बाद में वीडियो अपलोड करती हूँ, तो ये ना आप समझे कि वह हमें पहले बता दिया करें तो अच्छा होता। तो मैंने ये बस अपने माइंड में ये सोचा कि आपके साथ पहले शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और यहाँ जाएँ। और हमें ऐसे जो पाकिस्तानी फंक्शन होते हैं इनमें बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए ताकि बच्चे भी पाकिस्तानी कल्चर को देखें। लेकिन ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ये है 12 जून इतवार की जो गुजर चुकी है, मैंने कहा इस वीडियो के भी साथ में आपको शेयर कर देती हूँ। तो ये भी हमारे शहर में एक फेथ था, एक फंक्शन था बच्चों के लिए, उन्हें रखा हुआ था। गर्मियों में यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेके गई थी, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो इसके लिए पहले टिकट्स लेनी थी, हर जो भी खेल है उस कोई 2 एरो का था, कोई 3 एरो का, कोई 1 एरो का। तो मैंने 20 एरो वाले पैकेज ले लिया था, उसमें उन्होंने मुझे 23 टिकट्स दी थी, उसका ये फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ पे मेरी जो छोटी बेटी है मिनसा, वो तो बहुत इसने इन्जॉय किया, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना आप, वो उनको अब इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे मेरी बड़े बेटी है और बड़ा बेटा है, वो अब उनको ये चीज़ें नहीं इतनी अच्छी लगती हैं। और दूसरी बात कि हम गए थे 2:30 बजे अबके मिदे, यानी कि दोपहर के बाद, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट था, तो दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा रश हो गया था। हर लाइन, हर खेल के आगे इतनी लंबी लाइन थी, और जो भी खेल बच्चे खेल रहे थे उसके तकरीबन 10 या 15 मिनट था, लेकिन लाइन में 20 से 25 मिनट लग रहे थे। और खड़े खड़े टांगे और पांव थक गए थे। ये बस ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। ज़ाहिर है जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग होते हैं लाइन में तो लगना पड़ता है, तो जो बड़े बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे इस लाइन में लगने की वजह से। लेकिन मिनसा ने, जो छोटी मेरी बेटी है, उसने खूब इंजॉय किया, वो बिल्कुल नहीं थकी, वो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। बड़े बच्चे जो होते हैं वो उनकी और सोच होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी और सोच होती है। तो बहरहाल यहाँ पे इन्होंने बहुत खूब इंजॉय किया, मिनसा को ये गिफ्ट भी मिला। तो फिर थोड़ा सा घूमने के बाद ही बड़े बच्चे कहने लगे कि मामा घर चलते हैं। तो मिनसा कहने लगी नहीं, मैंने तो यहीं से फ्रेंच फ्राइज़ भी खानी है और सैंडविच भी यहीं से खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लाइन में लगी। उफ अल्लाह, ये वाली लाइन सबसे लंबी लाइन थी, तकरीबन मुझे आधा घंटा इस लाइन में, आधे घंटे से भी ज़्यादा खड़ी रही। मैं मिनसा से कहूँ कि घर जाके बना दूँगी, लेकिन वो रोने लगी कि नहीं मुझे यहीं खाना है। मैंने कहा चलो अब बच्चों को लेके आई हुई हूँ तो अब ये बात तो माननी पड़ती है। फिर इस आधे घंटे के बाद तकरीबन ये फिर हमारी बारी आई और हम यहाँ बैठ के इन्होंने खाया। और मुझे अपनी छोटी बेटी जो है ना देख के मुझे अपना बचपन याद आता है, क्योंकि ये मेरी छोटी बेटी ना बिल्कुल मेरा बचपन है, इसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अब ये घोड़े पे बैठना था तो मैं बड़ों से कहा कि आप लोग भी बैठो, तो वो ना मामा ना हमें तो डर लगता है, हम नहीं बैठेंगे। तो ये मेरी छोटी बेटी हर चीज़ में ट्राई करती है, हर चीज़ के अंदर मतलब जोश के साथ खेलती है। फिर मुझे बड़ी खुशी होती है देखा, जब जो दूसरे जो थे वो आराम से एक साइड पर खड़े होते हैं, मैं उनको कहती हूँ क्यों नहीं तुम लोग आगे बढ़ के खेलो, खेलो, तुम लोग क्यों ऐसे खड़े रहते हो। वैसे भी दोनों बड़े मासूम से हैं। तो इसी के साथ अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। Oh la la.